I
सिख धन्य धन्य है।
जिन गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुरु सिख धन धन है धन धन सो गुरु सिख कहिया धन धन सो गुरु सिख कहिया जो सतगुर शरणी जाए पया धन धन सो गुरु सिख कहिया सब तो वड्डे भाग गुरु सिखा के सब तो वड्डे भाग गुरु सिखा के जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ गुर सत गुर का जो सिख रखाए गुर सत गुर का जो सिख रखाए सो भल के उठ हर नाम धयावे सो भल के उठ हर नाम धयावे अखान तो अगे शर्त लागू हो जाती है प्रॉस्पेक्टस की है शब्द की तरतीब कि दिखी गई है कहाए तो शुरू होया है कहाए तो शुरू होया है ते जे अखाए तो ही रुक जाए जे अखवाना है तो अगलिया गल्लां लागू हो जांदियां क्योंकि जेड़ा भी अखवाएगा उनके ते अगला सिलेबस लागू कहते हैं गुर सत गुर का जो सिख अखाए जदों तक सिख नहीं ठीक है जिस दिन सिख अखवाया उस तो बाद क्योंकि पलके का लफज बाद नाल संबंधित है मैं एक बार की कल ते पलक विच की फर्क है कल पास्ट नाल भी लग जाती है फ्यूचर नाल भी लग जाते हैं मैं कल आ काम किया सी मैं कल आ काम करांगा पर इत्थे कल नहीं वरतेगा एक अहला वद पल के जेड़ा पास्ट नाल बिल्कुल नहीं जोड़ता कदे किसे नहीं आख्या मैं पल के आ काम करांगा पल किया सी पलके आ काम करांगा पलक जेड़ा आउन वाले दिन नाल लगता है बीते हुए दिन नाल नहीं लगता शब्द शब्दावली की चोण किन्नी गजब की है श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच कल लफज नहीं रखते क्योंकि कल तो पिछे भी लगता है अगे भी लगता लागू होता है पर पलक केवल आउन वाले दिन नाल लागू होता है कह लगे जिस दिन तक तू सिख नहीं अखवाना सही तेरे ते गुरु का हुक्म सिलेबस लागू नहीं सी होना पर जिस दिन तू सिख अखवाया आ गल अगली पढ़ ले
कहने लगे इसीलिए लोग पलटी करती है उस दिन तो बाद गुर सत गुर का जो सिख तखाए सो पर के उठ शहर ही कोई नहीं सी इनका मतलब इतने शहर का जिक्र नहीं अमृतसर तो शायद बल्कि मैं अगर उसकी सी एक बार भी गुरु अर्जन पातशाह जी ने भी जेड़ा शब्द उच्चारण किया उत्थे रामदासपुर वर्त्या उदों तक अमृतसर शहर का नाम नहीं सी इत्थे भी इशनान करे अमृत सर नहावे फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे बैंदे उठदे हर नाम ध्यावे जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी इस गुरु सिख इस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे उपदेश जो दिता सतगुरु से गुरु सिख धन धन है जिन गुरु उपदेश जिन गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी उपदेश जो दिता सतगुरु सो सुनिया सो सुनिया सिखी कन्ने सो सुने आ सिखी कन्ने सुन उपदेश पूरे गुर का सुने उपदेश उपदेश सुनो उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सतगुर का उपदेश सुन तुम Thank you.
सतगुर का उपदेश सुन तू हो मैं तेरे नाल अफवाह तो गल शुरू होंदी है। इथो सिखी का मंजिल सिखी का पहलू शुरू होंदा मंजिल नहीं सफर शुरू होंदा है। असीं अफवाह ती खलो गए हैं। फर्स्ट मैं सिखा एक्सपीरियंस कीती सी डॉक्टर के घर कोई पैदा हो जाए कदे उन्हें किसी ने डॉक्टर आखे तो अपने नाम नाल डॉक्टर लिख सकता ये आख सकता कि मैं डॉक्टर के घर पैदा होया इसलिए डॉक्टर ये तो ब्राह्मण ही समझ के ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण है। ये चीज तो सी गुरमुख विच समझ नहीं ब्राह्मण ने एक ओ मसला खड़ा कर दिता जिथे मनुखी जीवन जुगत की कोई थां ही ना रही। जीवन जुगत सुखन की की लोड़ है बस ब्राह्मण के घर पैदा हो गया ब्राह्मण है वो पूजन योग है उन्हें अगे हर कोई सिर झुका जो ब्राह्मण का फैसला लागू पर केड़ी अजीब गल है रात भी लाई जाए सी जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन पाट कह नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूत हम कत लोहु तुम कत दूत। सवाल गुरमत के खेत्र विच जीवन जुगत दा है करनी दा कर्मा उपर निबड़े जे लोचे सब को है। सारी दुनिया किसी गल चाहती हो सारे मिल जाती है नहीं कर्मा उपर निपड़े तो अपनी दसा तो पे लगे एप्पल लिया जे मिले तो सब को भागठ हो जे मेरी मर्जी ना जो कुछ मैं चाह मैं मिल जाए तो फिर दुनिया अंदर कोई अभागा रहे ही ना कोई अनपढ़ कोई गरीब रह ही ना हर कोई अमीर अमीरी लोचदा है हर कोई तंदुरुस्ती लोचदा है पर कहने लगे नहीं अपन लिया जे मिले तो सबको भागट हो हाँ कर्मा उपर निपड़े निपड़े जे लोचे सबको है करता कर्म दी तू डॉक्टर दे घर पैदा होके डॉक्टर नहीं हाँ तेन 10-20 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ के टेस्ट देना पड़ेगा पास होएगा डिग्री मिलेगी उस तो बाद तो अपने नाम नाल डॉक्टर लिख सकना केड़ी अजीब गल सीखी इन्नी सस्ती है अजीब ही हमने घर पैदा होने वाला कोई अजीब ही हमने ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਆਖਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜੇ ਵੇਹ ਕਰਮ ਮੰਨ ਦੇ ਪੈਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਹ ਫਲ ਦੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਸੋਲ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਸੰਗ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਖਵਾਈ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਏ ਅਵਖਰ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਰੂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ, ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਅਪਣਾਈ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਏ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੇ ਰੋਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੈਸੇ ਮਿਟੇ ਰੋਗ? ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਏ, ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੰਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੰਨਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹੇ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ।
जिन्नी देर गुरु उपदेश नूं फड़ के अपने जीवन विच धारण नहीं करता, उंदी कमाई नहीं करता, सुनन दा भी कोई फायदा नहीं, गाउन दा भी कोई फायदा नहीं, अखां मीट के बंद करके ते समाधि ला के बैठन दा भी कोई फायदा नहीं। सुनन ते समाप्त नहीं हो गए, सिलेबस बड़ा लंबा है। ओ पलिया ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਖਲੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। उपदेश जो दिता सतगुरु, उपदेश जो दिता सतगुरु, सो सुने सिखी कन्ने। और अगला स्टेप, जिन सतगुर का पाणा मन्निया, जेड़ी गल गुरु नु चंगी लगी ओने तेनु दस दित्ती, तू सुन लई, हुण उस गल नु मन लै। जो गुरु नु चंगा लगदा मैं ओ मन लवां, मसला भी तू मनदा किंदी है, मनदा किंदी है, गुरु को लाउणा है, गुरु कुछ दस रहा है, पर सोच तू इनकी गल सुन के मनना है। भाई गुरदास जी ने एक थन बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दिती, कहने लगी मैं देखता की हाँ वैष्णो अनन ब्राह्मण साल ग्राम सेवा, कोई मनुख है ना अपने आप को धर्म के खेत्र में ले तुरे कि वैष्णो अनन ब्राह्मण साल ग्राम सेवा, इन्होंने सारे की सेवा में लगा रहे, भागवत गीता श्रोता, उस वक्त के जेडे ग्रंथ सन जिक्र किया भी कोई राग ब्राह्मणिज्म की गल चल रही, भागवत गीता स्रोता, भागवत ग्रंथ का गीता का स्रोता भी सियाना हो, एकाकी कहलावे, बड़ा एकांत पसंद, समाधियां लाने वाला अपवाय, एने गुणों के हो जाने दिन वो समझता भी धार्मिक गुण ने ख्याल देख, कहते हैं वैष्णो अनन ब्राह्मण सालग्राम सेवा भागवत गीता एकाकी कहलावे। अगली लाइन में कहते हैं तीर्थ धर्म देव यात्रा को पंडित पूछ, जाना होगी तीर्थ यात्रा से, धर्म का कोई काम करना हो रोज देख लेंगे प्रचार किस गल का हो रहा, कह लगे तीर्थ यात्रा से जाना हो, धर्म का कर्म करना हो, देव यात्रा से जाना हो, फिर पंडित को पुछदा तीर्थ धर्म देव यात्रा को पंडित पूछ, करत गवन फिर चलता है पूछ के, तीर्थ से यात्रा करा फिर भी पूछता पंडित जी कोई मुहूर्त मैंने सोच के मैं तीर्थ यात्रा करन जाना कदों जावा, किस करन जावा, मेरी तीर्थ यात्रा कदों सफल हो गएगी, ऐसा पंडित जी के विचार, पंडित को पूछता है, फिर करत गवन फिर चलता है
गमन करता है। मुहूर्त सुधार रही पंडित नु आखदा कोई मुहूर्त कढो, जेड़ा दिन जेड़ा पल जेड़ी घड़ी मेरे वास्ते तीर्थ यात्रा लई धर्म कर्म करन लई तुसी ठीक समझो मैं उसे अनुसार करा। पंडित पूछ करत गमन मुहूर्त सुधारई, मुहूर्त सोध के पलखे दरवाजों निकलदा पैसा लेते आके हैरान करने वाली गल कहती, इन्ना कुछ करके मूर्त सुधा के इन्हां दी सेवा करके असीसां लै के भगवत गीता दे पाठ कर करके समाधियां ला ला के ते ब्राह्मण कोलों पुछ के मूर्त सुधा के घरों निकलदा है। कहंदे ने बाहर निकस, जदों दरवाजों निकले बाहर निकस गर्दप स्वान शगन कह दरवाजे निकले ते अगों खोता हींग पवे, पैसे का ख्याल खोता हींग पे, इन्ना कुछ कर्म करके तू बाहर निकले पंडित कोलों मुहूर्त भी सुधाया, पर जो दरवाजे बाहर निकले खोता हींग पे जा स्वान कुत्ता कान फटक देवे, बिल्ली रस्ता कट दू मुड़ आना, फिर तू सिख ब्राह्मण का होया, सिख गीता का होया, कि सिख भागवत का होया, कि गले का होया, तू गल तो नहीं मनी पंडित की, तो तू गल ही नहीं मनी, उन्हें तेन आख्या अस शुभ मुहूर्त है, हम जिंदी गल मने सिख तो होता अपने भी लिखता है सागुर सिख धन धन है, जिन गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी ते अगली थां ते जाके एक फैसला दे दिता ने, जिन्ना सत गुरु सिखां को हर संतुष्ट है तिन सतगुर की गल मनी। आप रोज पढ़ने कहंदे ने गुर सिख मीत चलो गुर चाले, चलो गुर चाली जो गुर कहे, जो गुर कहे सोई पाल मानो, गुर कहे साकार कबाओ, जो गुर कहे सुन जाए बिल्कुल सिखी की मंजिल नहीं जे सू तो पता नहीं होंगे असं की सुन रहे हैं, इन्ना पता सुन रहे कोई आवाज आ भाई साहब ने हुक्मनामा लिया मैं सुन लिया, की आख्या गया की वचन है की सीखे इनका कोई कंसर्न नहीं, इको गल तो जी बाणी नहीं समझ नहीं आती तो फिर तेरी गुरु कि अजीब गल है, जे तेन गुरु की समझ ही नहीं आती तेरा गुरु दृष्टा क्यों बनेगा, मैं फर्ज की बोली का मतलब की है कम्युनिकेशन का साधन, इस देश में आए हो जे तुहानू इन्हां दी बोली नहीं आउंदी तुहाडा संबंध नहीं जुड़ेगा, कोई संबंध जिस नाल संबंध जोड़ना है उनकी बोली उनकी गल समझनी बहुत जरूरी। मैं एक बार कीती सी केड़ी अजीब गल है, असी अरदास करने फिर कहने कि साड़ी अरदास सुनी नहीं गई, क्यों क्यों असी गुरु की गल नहीं सुनते समझते, गुरु तुहाडी गल समझे सुने क्योंकि तुहाडी बोली नहीं मिलती, असीं झूठ की बोली बोलने हाँ सच की बोली बोलता उनकी बोली वक्री है साड़ी बोली वक्री, वह झूठ नहीं बोल सकता असीं सच नहीं बोल सकते, नतीजा ये कि साड़ी उहदी दूरी कोई संबंध नहीं जुड़ रहा। हुण समझना यह है कि
ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਭਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੁਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਇਆ, ਇਕਾਂਤੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਖੋਤੇ ਨੇ ਹਿੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਤਾ ਹਿੰਗ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਪੈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਈ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਸਵਾਣ ਨੇ ਕੂਕਰ ਨੇ ਕੰਨ ਫਟਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਦੇਵ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਪੰਡਿਤ ਪੂਛ ਕਰਤ ਗਮਨ ਮਹੂਰਤ ਸੁਧਾਈ ਸੁਧਾ ਸੋਧ ਕੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਸ ਗਰਦਬ ਸਵਾਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਸ ਗਰਦਬ ਸਵਾਣ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਫਟਕ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਰਾਜ ਬਹੁਰ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਰ ਘਰ ਭਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਨ ਖੋਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਫਟਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹੂਰਤ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਭਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ, ਗਰਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
पर सिख जो अरदास कहता है मैनू गुरु नानक तो पहला भी भगौती चाहिए तेरे को मंगा तू दे मैनू दुर्गा की उपासना की लोड़ है तू तेरे को मंगा तू दे बस फिर मैं हैरान हाँ कि असि आखने आखिर गुरु के सिख मैं तो एको गल खड़ा कोई झगड़ा नहीं कोई इख्तलाफ नहीं सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूछ लो जिहड़ी गल वह इजाजत देवे वह मान लो जिहड़ी रोक देवे वह छड़ दे बस ते जे असी इन्नी गल ते भी नहीं कर टिक सकते फिर असी कित्थे टिकांगे इन्हां शब्दां नाल के मांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।